देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सितारगंज में आज एक बड़ा मामला उस वक्त सामने आया जब एक ठेकेदार ने 12 साल पुराने भुगतान को लेकर नगर महापालिका पहुंचकर हंगामा करते हुए पालिका अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की व कर्मचारियों से अभद्रता कर गाली गलौज की। कर्मचारियों के रोकने पर ठेकेदार ने सबके सामने फाइलें फाड़ दी। दवाई और 25 लाख रुपए का डुप्लीकेट सामान आया है। अरे इस दुबे मुर्दाबाद, अरे इस दुबे मुर्दाबाद, अरे इस दुबे मुर्दाबाद, अरे इस दुबे मुर्दाबाद। 25 लाख रुपए की दवाई का गबन का घपला खुलाता हो, बिजली का सामान का घुसला घपला खुलाता हो। जी हाँ, सितारगंज नगर पालिका उस वक्त एक अखाड़े में तब्दील हो गई जब एक ठेकेदार ने नगर महापालिका पहुंचकर जमकर हंगामा किया और पालिका कर्मचारी पर 25% कमीशन मांगने का आरोप लगाया। इसी दौरान ठेकेदार और पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि ठेकेदार इरशाद अहमद का कहना है कि वर्ष 2007 में उसने निर्माण का कार्य किया था जिसका उसको अभी तक भुगतान नहीं किया गया। तत्कालीन बोर्ड ने उसके पेमेंट पर रोक लगा दी थी जिसको लेकर ठेकेदार पालिका परिसर में पहुंचा और भुगतान को लेकर कर्मचारियों से अभद्रता करने लगा। कर्मचारियों ने उनसे कहा कि वो पुरानी फाइल देखकर ही पेमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं। इस पर ठेकेदार आज बबूला हो गए। उन्होंने गाली गलौज करते हुए सरकारी फाइलें फाड़ दी। इसके साथ ही उन्होंने उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जबकि आरोप लगाने वाले ठेकेदार ने पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के कार्यकाल में कोई भी निर्माण कार्य किया ही नहीं है। इस तरीके का दावा चेयरमैन दुबे ने किया। वहीं हरीश दुबे की मानी जाए तो भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर कोई दोषी नहीं मिलता है तो आरोप लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। चेयरमैन ने ठेकेदार के साथ ही कुछ पत्रकारों पर भी नगर पालिका को बदनाम करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन ब्लैकमेल करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वार्ड नंबर 2 में मेरा एक टेंडर हुआ था जिसका कि मैं आज एग्रीमेंट करने के लिए गया था, तो वहाँ पे बड़े बाबू है राजेश अरोड़ा, उसने कहा कि 33% का कमीशन चल रहा है जिसमें 25% आपको एडवांस देना पड़ेगा और 3% बाद में देना पड़ेगा। तो जब मैंने मना किया तो इसको लेके जितना हरीश दुबे जो यहाँ का चेयरमैन है वो भड़क गया पूरी तरीके से, और उसने ये कहा कि मतलब बिना पैसे के यहाँ पे कोई काम या एग्रीमेंट हो नहीं पाएगा। तो इसको लेकर काफ़ी मेरी बात भी हुई उनसे। मैंने कहा मैं किसी कीमत पर भी कमीशन नहीं दूंगा, हम लोग भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मतलब खिलाफ हैं, और अभी जब काम ही नहीं हुआ है तो आप एडवांस में ये कौन सी आपने एक नई पॉलिसी निकाली। मामला ये है कि हमारे यहाँ एक पंजीकृत ठेकेदार इरशाद अहमद पटौती जी हैं जिन्होंने सन 2007 में जब हमारे यहाँ चेयरमैन श्रीमान राकेश गुप्ता जी थे उस समय में कोई काम किया हो गया होगा, मेरी जानकारी में नहीं है कौन सा काम किया इन्होंने। तो इनका कहना यह है कि उस समय में मेरी एक काम किए हुए काम की पेमेंट नहीं हो पाई। उसके बाद मेरा कहना यह है कि 2007 के बाद दो बोर्ड चले गए, परवीन बेगम जी हमारे यहाँ बोर्ड रहा उनका, उसके बाद कांता प्रसाद जी का बोर्ड रहा, अब मेरा बोर्ड आया है। तो मैंने जब फाइलों का अवलोकन किया तो फाइलों के अवलोकन से मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये उस कार्य की पेमेंट मांगना चाह रहे हैं मुझसे, जो कार्य जो है कि फाइलों के अनुसार वर्तमान में क्या रहा होगा वो तो जे ही जाएगा मौके पे देख लेगा, फाइलों के अनुसार जो है कि वो कार्य किया ही नहीं गया है। तो ये मुझ पर नाजायज़ तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि मेरे कार्यों की जांच कराएंगे। बढ़िया बात है, जांच कराना जागरूकता का एक वो है, और जागरूक रहें लोग, बढ़िया है, काम की जाँच होनी चाहिए, लोगों को जो है अच्छी रोडें अच्छी सड़कें अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। क्या है अगर 25% की मांग करी होगी इनके कहे अनुसार तो ये मैंने तत्काल कहा कि आप लिख के दीजिए अपनी शिकायत और उसकी जांच करी जाएगी, और अगर किसी कर्मचारी ने इस तरीके की मांग करी गई है तो दोषी पाया गया तो उसको दंडित भी किया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी मैं मुकदमा दर्ज कराने जा रहा हूँ जो नगर पालिका में अनावश्यक रूप से चलती बैठक को सरकारी कार्य में बाधा डालता है, उपद्रव करता है, और यहाँ के जो है कि ब्लैकमेलिंग करके जो कार्य उसने नहीं किया है और उसका दबाव बनाता है कि हमारे को उसके 10 साल 12 साल 13 साल पुरानी जो है कि पेमेंट कर दी जाए, इस तरीके के लोगों के खिलाफ भी हमारा बोर्ड बैठेगा और हम मुकदमा करेंगे।
इस पे क्या कहना है? इस पे ये कहना है मेरा, देखिए पक्ष विपक्ष चलता रहता है, हर आदमी चाहता है कि सबको दिखाई दे रहा है कि शहर के अंदर अच्छा काम हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं, काम के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, तो वातावरण अच्छा बना हुआ है, तो जो विपक्ष है वो घबरा सा गया है कि हरीश दुबे का इतना बढ़िया वातावरण है, तो वो इस तरीके की हरकत करता है, हो सकता है वहां से प्रेरित हो। आज किस संबंध में आपकी बैठक चल रही थी और कितने अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे? हमारे यहाँ जो बैठक आज चल रही थी वो ठोस प्रबंधन को लेकर चल रही थी। 1 तारीख से 14 तारीख तक एक हम स्वच्छता का पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है, शहरी विकास निदेशालय से हमको आदेश आए जिसको लेकर सभी विभाग के लोग आज उपस्थित थे, और 1 तारीख से 14 तारीख तक हम लोग जो है कि नगर में सूखे कूड़े और गीले कूड़े को लेकर जो है हम लोग निकलेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे। तो जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद जो विवाद सामने आया है, तो इस पर जो है कई लोगों का ये भी कहना है कि 25% जो आरोप लगाया गया बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं। ऐसा है कि आपके मुंह से कहने, अभी मैं ही आपको आरोप लगा दूं कि आप मेरे वीडियो बना रहे हो, कल को मुझे ब्लैकमेल करने लग जाओगे, ये मुंह से कहने इसका काम नहीं चलता है भैया। लेकिन शिकायत दी है, शिकायत दी थी, उसकी जांच होगी, जांच कमेटी बैठेगी, मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि इसकी जांच SDM स्तर से कराई जाए और उच्च स्तर से कराई जाए ताकि प्रभावित ना हो जांच, और मिथ्या आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।